हाँ, इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सप्लायर्स को ऐड कर सकते हैं सिस्टम में। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं उनके डिटेल्स हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या सेल करते हैं तो जो सप्लायर का नाम है वो डायरेक्टली हम चूज़ कर सकते हैं, हमें वापस उसके जो है डिटेल्स सिस्टम में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे सप्लायर का नाम, उसका ईमेल जो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो एंटर नहीं कर सकते। फिर मोबाइल नंबर जो है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, और उसके डिटेल्स, अगर कुछ और डिटेल्स की वो क्या सप्लाई करता है, या जो भी डिटेल्स आपको एंटर करनी हो आप डिटेल्स और रिमार्क सेक्शन में एंटर कर सकते हो, और आप सब एंटर करने के बाद सबमिट क्लिक कर सकते हो। और इसी के साथ जो है उसके डिटेल्स सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप ट्रांजेक्शन करो आप सप्लायर को चूज़ कर सकते हो, और यदि आप चाहो उसके डिटेल्स का कॉन्टैक्ट नंबर तो आप सिस्टम में कभी भी सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से हम सप्लायर ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।